सर सर मैं माशाल्लाह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखो तो आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल दिल्ली टू खटमंडू इन वोल्वो बस ओके खटमंडू लेके नेपाल ये सफर मजेदार होने वाला है। देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो आप भी देखिए। सरकार के इस वॉल्वो बस में आज हम इंडिया से नेपाल जाएंगे एंड यहाँ पे हमें दिल्ली पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है। बिल्कुल वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है एंड हमारा यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है ना किसी फाइव स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। मैंने यहाँ पे अपने लिए लगवाई है स्पेशल वेज थाली। हम यहाँ पे एंटर हो रहे एक इमरजेंसी रनवे में। यहाँ पे हम जा रहे हैं इमिग्रेशन क्लियर कराने, इसके आगे हम नेपाल में एंटर हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो नेपाल की करेंसी है वो कुछ ऐसी है, नेपाल का मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट चना। देश की राजधानी दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग में। बहुत दिनों बाद शुरू करने जा रहा हूं अपना एक इंटरनेशनल ट्रिप। कहने को तो इंटरनेशनल है मगर हम जा रहे हैं एक ऐसे देश में जो कि इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है, हम जा रहे हैं नेपाल। सो जी लास्ट टाइम जब मैं नेपाल गया था, एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं गया था ना जस्ट जाके वापस आ गया था सिलीगुड़ी काठमांडू बस की वीडियो बनाने, तो तब लोगों ने कहा था कि बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तुमने नेपाल ठीक से कवर ही नहीं किया, तुम मुस्तांग नहीं आए, तुमने मुक्तिनाथ टेम्पल नहीं किया और भी बहुत ऐसी जगह हैं जो तुम नहीं गए। तो वो सब पूरा करने, अपना बकेट लिस्ट कंप्लीट करने आज मैं दोबारा निकल रहा हूँ नेपाल के लिए। पेश है आपके लिए एक इंटरनेशनल बस जर्नी दिल्ली सरकार के वॉल्वो बस में। हम आज दिल्ली से काठमांडू जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने जर्नी दिखाई थी लेकिन तब बस थोड़ी पुरानी थी, वॉल्वो B7R। उस जर्नी को दिखाए हुए काफी टाइम हो गए, इनके पास नई बस भी आ गई है BS6 विद लेदर सीट एंड साथ ही साथ रोड कंडीशन देखेंगे, फिर आपको नए नए जानकारी देंगे कि क्या इसमें फॉरेनर्स ट्रैवल कर सकते हैं, क्या आप आधार कार्ड के साथ इस बस में जा सकते हो, करेंसी टूरिस्ट सिम इनका क्या सिस्टम है एंड नेपाल में रिसेंटली UPI भी चालू हुआ है तो उसको कैसे यूज करना है। और मैं बता दूं अब की बार मैं नेपाल जा रहा हूं, अगर मौसम साफ रहा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू अ लुकला फ्लाइट लैंडिंग इन द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मेरा एक सपना था वो मैं पूरा करूंगा अब की बार नेपाल जाके। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सीरीज काफी अच्छा जाएगा। सो दिस इज बेसिकली Episode 1 ऑफ रीडिस्कवरिंग नेपाल। लास्ट टाइम ठीक से कवर नहीं कर पाए थे। सो मेरी बस है सुबह के 10 बजे, सुबह के फिलहाल 8:30 हो रहे हैं। मैं निकल रहा हूं अपने बोर्डिंग पॉइंट के लिए जो कि है दिल्ली गेट में। एक बार वहां पे पहुंचता हूं, बताता हूं क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको इस जर्नी के लिए करनी पड़ती है। पहुंच गए अपने बोर्डिंग पॉइंट अम्बेडकर टर्मिनल में, यह है दिल्ली गेट में। मेट्रो से अगर आ रहे हैं तो आपको लेना होगा वायलेट लाइन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़े बहुत जानकारी आपको दे दूं, बस जो है मंडे टू सैटरडे चलती है, संडे ऑफ है। मंडे वेनेसडे और फ्राइडे को जाती है दिल्ली सरकार की वॉल्वो बस एंड ट्यूसडे वेनेसडे और सैटरडे को जाती है नेपाल सरकार की टाटा मार्को पोलो। दोनों सरकारों के बीच एक कोलैबोरेशन है। सो वॉल्वो लेना है तो आपको 3 ही दिन मिलेगा एंड ऑब्वियसली वॉल्वो का जो कम्फर्ट है वो ऑब्वियसली काफी बेटर है। नेपाल के रास्ते कैसे हैं आपको फील तक नहीं होगा। बस चलती है दोनों साइड से सुबह के 10 बजे एंड लगभग पहुंच जाएगी अगले दिन दोपहर के 2 या 3 बजे। सो लगभग अ जर्नी ऑफ 29-30 आवर्स। अब वो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि टाइम कितना लगता है। यहाँ से और कोई बसें नहीं जाती, ओनली नेपाल बसेस। एंड पहले जो है यहाँ से दिल्ली लाहौर की बस चलती थी जो कि 2019 से बंद कर दी गई। अगर आप पूछते हो कि इस बस में फॉरेनर्स जा सकते हैं क्या, द आंसर इज येस। बांग्लादेश से हो या फिर कोई भी और फॉरेनर हो तो यू कैन टेक दिस बस। और किसी बॉर्डर से आप नेपाल एंटर होते हो, सिलीगुड़ी के काकरविट्टा बॉर्डर हो गया या फिर दूसरा कोई बॉर्डर हो गया, वहाँ पे इमिग्रेशन फैसिलिटी नहीं है। इमिग्रेशन फैसिलिटी है सोनौली पे एंड शायद एक और बॉर्डर पे भी है, तो सिर्फ वहीं से फॉरेनर्स एंटर कर सकते हैं। एंड द मेन क्वेश्चन, आप आधार कार्ड से नेपाल जा सकते हो क्या? द आंसर इज नो। अगर आपको इस बस से जाना है तो आपको वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट दोनों में से कोई एक चीज चाहिए। अगर आप दूसरे किसी बॉर्डर से चल जाते हो सिलीगुड़ी
उड़ी काकर विट्टा हो गया, दूसरा कोई बॉर्डर, तो आधार कार्ड इज फाइन। बाकी मैं एक बार कंडक्टर से पूछ के भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे वैसे तो एक कैफेटेरिया भी है मगर अभी तक खुला नहीं है। अच्छा, बस का जो फेयर है दैट इज 2856 रुपए, नेपाली रुपीज का कन्वर्शन आपके स्क्रीन पे होगा। एंड बुकिंग आप DTC की वेबसाइट पे कर सकते हैं, ये रहा वेबसाइट का लिंक। एंड ये बस स्टैंड कितना अच्छा है, इतनी कम बसेस चलती है मगर फिर भी इन्होंने कितना सजा के रखा है, इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं। सुबह के 9:15 हो रहे हैं, फाइनली आवर बस इज हियर। आप कोशिश करना कि सुबह के 9 बजे तक आ जाओ, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है मगर 8 बजे आने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वॉल्वो B8R एंड ये वॉल्वो B8R BS6 है, मतलब 9600 नहीं है, लेकिन इसमें जो आपको सीट्स मिलेंगी ना वो लेदर वाली है, सिमिलर सीट जो 9600 में रहती हैं। बाकी ये जो वॉल्वो बस है ये है 12 मीटर वाली वेरिएंट। नेपाल में 13.5 मीटर चलाना मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। सो अगर एक वॉक अराउंड ले ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली काठमांडू दिल्ली बस सेवा, एंड यहाँ पे दोनों देशों के फ्लैग है जो कि दर्शाते हैं दोनों देशों के दोस्ती को। बाकी सामने भी लिखा हुआ है भारत नेपाल मैत्री बस सेवा, मैत्री मतलब फ्रेंडली। एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइट्स इन्होंने लगाई है ना वो काफी अच्छी लग रही है। अच्छा, इस बस के ऊपर ना आपको एम्बुलेंस जैसी सायरन मिल जाएगी बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल बस सर्विस। यहाँ से जब हम निकलेंगे ना तो भी दिल्ली पुलिस की गाड़ी हमें एस्कॉर्ट करेगी। यहाँ पे इससे पहले कि लगेज चेकिंग चालू हो, आईडी चेक हो, मैं आपको बता दूं आज हम कवर कर रहे हैं नियर अबाउट 1160 किलोमीटर। अगर रूट की बात करें, दिल्ली से यहाँ से निकलेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए हम पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेस वे, जाएंगे आगरा तक, आगरा से लेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कि काफी बढ़िया है, इस रूट का बेस्ट है। जाएंगे लखनऊ, वहां से अयोध्या होते हुए जाएंगे सनौली जो कि आज का हमारा इंडिया नेपाल बॉर्डर रहने वाला है। सनौली से ही हम इंडिया से नेपाल में एंटर करेंगे, वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज होगी, सब कुछ डिटेल्स मैं आपको वहां पे जाके दूंगा। फिर आगे बर्दाघाट, नारायणगढ़, मुगलिंग होके, बैनीघाट होके हम पहुंचेंगे काठमांडू। ऑल्सो दिल्ली काठमांडू का जो फ्लाइट फेयर है ना दैट इज नियरली 3800 और 4000 रुपीज। सो आप कहोगे कि भाई 2800 रुपए देके बस में क्यों जाएं? देखिए, दिस इज एन डिफरेंट एडवेंचर। यहाँ पे वो कैफेटेरिया बंद है और मुझे चाहिए पानी तो मैं यहाँ पे इंस्टामार्ट से मंगवा रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ही सही है, मैं जहाँ पे रहता हूँ आसनसोल वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, बट बहुत ही सही चीज़ लगी यार। 10 मिनट में आपको कुछ भी चाहिए, ईयरफोन्स हो, पानी हो, चॉकलेट हो, सब कुछ आ जाएगा। सो यहाँ पे बोर्डिंग से पहले सबका जो है बैग चेक हो जाता है एंड फिर आईडी चेक हो जाता है, वो सब करके अभी हम बस बोर्ड करेंगे। बैग पे जो स्टिकर लग जाता है कि सिक्योरिटी चेक हो चुका है, एंड इंस्टामार्ट का सामान भी आ गया। हालांकि हम थोड़े आलसी हो जा रहे हैं इससे मगर क्या कर सकते हैं, चलते हैं एक बार बस के अंदर। इसमें जो है आपको 2x2 के ऐसे लेदर सीट्स मिल जाएंगे एंड सीट्स पुशबैक वाले हैं। यहाँ पे सारे जो अम्यूनिटीज आपको चाहिए होते हैं, फायर अलार्म, क्लॉक, AC वेंट्स, रीडिंग लैम्प, चार्जिंग पॉइंट, सब कुछ अवेलेबल है। एंड अगर हम इस पे एंड तक जाए तो इस पे टोटल 43 सीट्स हैं, ये दो इमरजेंसी वाली नहीं है। एंड स्टाफ के सोने का यहाँ पे बहुत ही सही जुगाड़ है, ऑब्वियसली इतनी लंबी वो जर्नी करते हैं उनको भी प्रॉपर रेस्ट चाहिए, तो ये जुगाड़ मुझे कमाल का लगा। बाकी वी विल बी डिपार्टिंग इन अ शॉर्ट वाइल। हम दिल्ली से निकले हैं एग्जैक्टली सुबह के 10 बजे एंड यहाँ पे हमें दिल्ली पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है, बिल्कुल VIP वाली फीलिंग आ रही है। एंड ये हमको ले जाएगी सीधे मतलब जो बॉर्डर है वहाँ तक। बाकी यहाँ पे देखिए हमारे सामने सामने चल रही है दिल्ली पुलिस की गाड़ी एंड जो सायरन बज रहा है ना वो हमारे बस के ऊपर बज रहा है। यहाँ पे हम आ चुके हैं नोएडा में एंड अभी ऑफिस आवर्स है तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। बाकी क्योंकि दिल्ली से हम एंटर हो गए UP तो जो दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट व्हीकल थी उन्होंने हमें अलविदा कर दिया है, अब हम ऐसे ही चलेंगे मगर अभी सायरन जो है सिटी तक बजते रहेगा, हाईवे में जाके शायद किनारे। सुबह के 10:50 हो रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे में, लगभग 50 मिनट्स लगे सारे ट्रैफिक को पार करने में।
पौने एक हमने लगभग 3 घंटा ट्रैवल किया है एंड हमने ले लिया अपना लंच ब्रेक शिवा ढाबा पे। ये है मथुरा कट पे। मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। यहाँ पे अगर आपको रोटी राइस नहीं खानी तो बहुत तरह तरह के ऑप्शंस हैं। सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इन्होंने दरवाजा बिल्कुल क्लोज कर दिया, लॉक कर दिया, सामान की सेफ्टी बनी रहती है, यही सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पे खड़ी है हमारी बस एंड साइड में खड़ी है दिल्ली से आगरा जाने वाली न्यू गो। बाकी बाहर कुछ स्टॉल्स हैं शेक के, जलेबी रबड़ी के, आइसक्रीम के। एंड हमारा यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है ना किसी 5-स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए जैसे कुल्फी वगैरह हो गए या फिर पेठे हो गए, कुछ सोवेनियर्स हो गए, ये सब अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रुद्र शिवा ढाबा है ना, इसका मेनू बहुत अमेजिंग है। मतलब क्या कुछ नहीं है आप वो बताइए। पराठे चाहिए वो है, सैंडविच चाहिए वो है, छोले भटूरे चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, चाट चाहिए, नूडल्स चाहिए, चाइनीज़ आइटम्स चाहिए, और सोया चाप चाहिए, पनीर टिक्का चाहिए, सैलड, रोटी, सब्जी, सब कुछ है। तो मैंने लिया एक वेज थाली, स्पेशल वेज थाली जिसमें कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, मटर पुलाव, बूंदी रायता, सलाद, अचार, पापड़, लच्छा पराठा, बटर नान, स्वीट डिश है। देखते हैं कैसा है। एंड इस थाली का प्राइस है 350 रुपीज़। मैंने यहाँ पे अपने लिए लगवाई है स्पेशल वेज थाली, दिखने में काफ़ी बढ़िया है। कढ़ी है, पनीर है, दाल है, यहाँ पे पीस पुलाव है, रायता है, सलाद है एंड यहाँ पे है गुलाब जामुन और साथ में लच्छा पराठा और बटर नान। अगर आप थोड़े और अफोर्डेबल आइटम्स देखना चाह रहे हैं तो कॉम्बोज हैं जैसे राजमा चावल, दाल चावल, ये सब थोड़े चीप ही हैं। दाल मखाने इज़ गुड। पनीर ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। पनीर की सब्ज़ी भी काफ़ी बढ़िया है, टैंगी, मसालेदार है एंड कढ़ी भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट सो खाने पीने के मामले में, एम्बियंस के मामले में, प्राइसिंग के मामले में इस रेस्टोरेंट को मिलते हैं पूरे नंबर। थाली की जो क्वांटिटी है ना, दैट इज़ एनफ फॉर 2 पर्सन्स। मैं तो अकेला। बहुत धूप है एंड मतलब लग ही नहीं रहा कि 6 बजने वाले हैं। इट इज़ जस्ट 10 मिनट्स टू 6। यहाँ पे हमने ले लिया एक छोटा सा चाय ब्रेक इस वाले
रेस्ट स्टॉप पे। यहाँ पे रेस्ट स्टॉप बहुत ही कम है जो मैंने रिसेंटली नोटिस किया। हमारे बस के क्रू भी कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब ऐसा है कि सीधा 150 किलोमीटर बाद जाके है, मतलब आपके बीच में कुछ टायर पंक्चर हो गई, कुछ हो गया या फिर चाय पीना है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हर 50 या 60-70 किलोमीटर्स में थोड़ा सा रेस्ट एरिया या फिर फ्यूल पंप या फिर मैकेनिक तो होना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लग रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसा है हमारा रेस्ट स्टॉप, 3 यहाँ पे टोटल चाहे जॉइंट्स है, वॉशरूम है एंड बाकी काइंड ऑफ लाइक ए मॉल है। इस हाईवे से जब भी मैं चलता हूँ ना, ऐसा लगता है किसी अलग देश में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे हमारा फूड कोर्ट है कुछ ऐसा एंड यहाँ से अपन चाय लेते हैं। सो यहाँ पे पी रहा हूँ कुल्हड़ वाली चाय। ऐसा लग रहा है कि चाय जो है नहीं पीनी चाहिए थी, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी में चाहिए ये चीज़। बट आई जस्ट होप कि कल से जो है थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। अच्छा, यहाँ से निकलते ही ना हमारे सेकंड कैप्टन ने चार्ज ले लिए। हम यहाँ पे एंटर हो रहे एक इमरजेंसी रनवे में, ये है रनवे नंबर 10। सो देख सकते हैं बीच के अगर यही आप हटा दें तो इसको एज अ रनवे यूज़ किया जा सकता है एंड काफ़ी बड़ा रनवे है। इनफैक्ट जो बड़े A320 बोइंग 737 है वो भी उतर सकते हैं। सो ये है रनवे का एंड एंड यहाँ से अगर एयरक्राफ्ट को बैक ट्रैक करना है, घुमाना है, तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ रनवे 20। लखनऊ का ट्रैफिक दिल्ली से भी बेकार है। पूरा शहर क्रॉस करने में शायद 1.5 घंटा लग गया। इतना गंदा ट्रैफिक है कि यहाँ पे हमें बहुत जगह सायरन यूज़ करने पड़े। रात के बज रहे हैं 10, मुझे नहीं पता हम कहाँ पे हैं, बट बहुत ही गंदी जगह है ये तो मैं रेस्ट स्टॉप देख के बोल सकता हूँ। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम DTC। इतने गंदे रेस्ट स्टॉप पे नहीं रोकना चाहिए था। रेस्ट स्टॉप को मैं 3 चीज़ों से जज करता हूँ, एक है उसका हाइजीन, एक है उसका खाने का प्राइस एंड तीसरा है खाने की क्वालिटी एंड टेस्ट। हाइजीन तो सामने दिख ही रहा है, प्राइसेस हैं नॉर्मल सिंपल वेज थाली के 200 रुपये, चिकन थाली के 300 रुपये। दोपहर वाला जो रेस्ट स्टॉप था वो इतना बढ़िया थाली दे रहा था 350 रुपीज़ का, एंड यहाँ पे देख लो। और इन दी एंड टेस्ट और क्वालिटी चेक करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे सामने किचन दिख रहा है। एंड ऑल्सो मैं मानता हूँ कि जो रेस्ट ऑफ ओनर्स पैसेंजर्स के लिए ढंग का वॉशरूम नहीं बना सकते, दे डू नॉट डिजर्व कस्टमर्स। सिंपल सी बात है, सच बताऊँ ना तो दिमाग और गर्म हो रहा है क्योंकि मैं बढ़िया से सो रहा था। जब वॉशरूम की बात आती है तब कह रहे कि वो जो दो बने वहाँ सब चले जाओ, लेडीज जेंट्स कोई कुछ अलग कुछ है नहीं। काफ़ी गलत चीज़ है ये। और अभी तक हम कवर कर चुके हैं 600 किलोमीटर्स, पहुंच गए हैं उधौली एंड यहाँ से सनौली बॉर्डर है 270 किलोमीटर्स। सुबह 6 बजे ही खुलेगा, तभी फॉर्मेलिटीज सारी चालू होंगी। सो फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह भारत नेपाल बॉर्डर पे। जी सुबह के बज रहे हैं 5:15, हम पहुंच गए हैं सनौली बॉर्डर पे। वी आर एट द इंडियन इमिग्रेशन राइट नाउ। ये कुछ है यहाँ के सुबह के नज़ारे, ये जो है एग्जैक्टली सुबह के 6 बजे खुलता है एंड यहाँ से जस्ट थोड़ी दूर पे है इंडिया नेपाल बॉर्डर। अगर आपको ATM वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आगे पीछे थोड़े थोड़े ATMs हैं, बट कैश लेके आएँ तो ये अच्छी बात है। अगर आप बांग्लादेश से आ रहे हैं या फिर किसी भी और कंट्री से आ रहे हैं, हमारे बस में भी एक फॉरेनर है, तो अपना पासपोर्ट यहाँ पे स्टैम्प करवा सकते हैं। वापस से बता दूं, इस बस में आप आधार कार्ड के साथ नेपाल नहीं जा सकते, दे ओनली एक्सेप्ट वोटर ID एंड पासपोर्ट। देखिए आधार वैसे चल जाता है लेकिन आधार में टाइम बहुत लगाते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो वोटर ID और पासपोर्ट ही है। यहाँ पे हम जा रहे हैं इमिग्रेशन क्लियर कराने। लास्ट टाइम जब मैं आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जगह थोड़ी अच्छी थी।
बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट की और कस्टम्स है ना, सो उस साइड जो नेपाल का कस्टम्स है वो अभी जस्ट क्लियर कराया है। एंड अगर आपको सिम मनी एक्सचेंज वगैरह चाहिए तो नेपाल गेट से निकल के जस्ट राइट में। अच्छा यहाँ पे मैंने टूरिस्ट सिम ले लिया है। टूरिस्ट सिम का प्राइस पड़ा मुझे 300 Indian rupees, 200 Indian rupees में है एक एनसेल का सिम जो कि नेपाल में काफ़ी अच्छा चलता है, बट उसमें 15 दिन के लिए आएगा 3 GB डेटा। एंड जब आप 300 रुपये वाला लेंगे तो उसमें 15 दिन के लिए आएगा 7.5 GB डेटा, तो वो ही मैंने लिया है 7.5 GB वाला, क्योंकि इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। एंड इंडिया तरफ में जैसे सनौली है, इस साइड है भैरहवा, तो अभी बस जो है ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ी दूर आगे जाके रुकती है। और वैसे नेपाल में घुसने के बाद कुछ खास फर्क लगेगा नहीं, सो नेपाल में एंटर होने के बाद यहाँ पे हमारे बस ने लिया है ब्रेकफास्ट हॉल्ट। अगर आप फ्रेशन अप वगैरह होना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पे हो सकते हैं। नेपाल का मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट चना, ये चीज़ मैंने लास्ट ट्रिप्स में भी देखी थी कि ये बहुत फेमस है, चना एंड बॉयल्ड एग, बहुत ही अच्छा कॉम्बो यहाँ पे, एंड साथ में चाय वगैरह। लेकिन गर्मी इतनी है ना कि चाय वाय नहीं, ठंडा पानी चाहिए बिल्कुल, वो भी सुबह सुबह। अच्छा आपको अगर पैसे एक्सचेंज कराने हैं तो जिस ढाबे पे बस रुकती है ना वहीं पे आप करा सकते हैं, वहीं पे काउंटर है एंड भैया जो अच्छे रेट ही दे रहे हैं, सो यहाँ पे काउंटर है, ब्रेकफास्ट करके आप मनी वगैरह एक्सचेंज करा सकते हैं। सो यहाँ पे जो नेपाल की करेंसी है वो कुछ ऐसी है, 1000 rupees के नोट है, फिर 500 rupees के नोट है, देख लीजिए 500 rupees का नोट कुछ ऐसा है। एंड यहाँ पे टाइम जो है बदल गया है, नेपाल चलता है इंडिया के 15 मिनट आगे, मतलब इंडिया में अभी नेपाल में सुबह के 8-10 हो रहे हैं ना, तो इंडिया में इट विल बी 7:55 AM। यहाँ पे लिए है मैंने ये नींबू पानी, काइंड ऑफ लिमका जैसा है, एंड इसकी प्राइस है 50 Nepali rupees, मतलब 30 Indian मान लीजिए। वैसे यहाँ पे नेपाल में एंटर होने के बाद एटलीस्ट 3-4 जगह पे चेकिंग होती है, पहले कस्टम्स हो गया, फिर कोई और हो गया, फिर पुलिस हो गया, मतलब यहाँ पे एजेंसीज को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। जो भी है अभी तो हम नॉर्मल 2-lane हाईवे से चल रहे हैं, मगर थोड़ी देर बाद हम चढ़ाई करेंगे पहाड़ों के लिए। ये देख लो नेपाल का पेट्रोल पंप, यहाँ पे वैसे नेपाल के जो वर्ल्ड क्लास हाईवे है वो चालू हो चुके हैं। एंड काठमांडू लगभग 300 किलोमीटर है, मगर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा क्योंकि रोड्स की कंडीशन ये है, अभी तो फिर भी प्लेन लैंड है। अब आगे पहाड़ आएंगे वहाँ पे भी रोड्स की यही स्थिति है। दोपहर के फिलहाल 12 बज रहे हैं, हम उतर चुके हैं वर्धा घाट, और क्या ही पैथेटिक पैच है ये, मतलब लगभग 2 से 2.5 घंटे तो सिर्फ इसी घाट में लग गए। एंड रोड्स ऐसे ना कि जैसे लग रहे कि चांद पे चल रहे हैं अपन, इतने गंदे रोड्स मैंने नहीं देखे, आई थिंक लास्ट टाइम से भी ख़राब हो चुके हैं, धूल वूल भी काफ़ी उड़ रहा है। एक प्लस पॉइंट है कि आप वॉल्वो में बैठे हो, एयर सस्पेंशन लगे हैं सामने से पीछे तक, तो भी कई हद तक एडजस्टमेंट हो पा रहा है। मैं सही में अगर किसी और बस से आता तो मैं तो बीच में उतर जाता।
अभी अभी क्रॉस किया है अरुण खोला। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिस हाईवे से हम जा रहे हैं वो नेपाल का बहुत ही बढ़िया और डिपेंडेंट हाईवे है। मतलब अगर आपको ईस्ट से वेस्ट जाना है, ये एक लौता हाईवे है, इसको ये लोग बोलते हैं ईस्ट वेस्ट हाईवे या फिर पिंफ्री हाईवे। सो इसकी कंडीशन देख लीजिए आप। बाकी यहाँ पे फोर लेनिंग का काम चल रहा है, चाइना का एक कंपनी है जो कि बना रहा है, लेकिन तब तक जो है बस ऐसे ही नाच नाच के चलना पड़ेगा। इस तरफ देख सकते हैं कि थोड़ा सा रोड जो है तैयार हुआ है। तीन बज रहे हैं फिलहाल, हमने लिया है लंच ब्रेक। मुझे तो लगा था अब तक हम काठमांडू पहुंच जाएंगे, मगर नहीं। रोडों की कंडीशन आप देख रहे हैं थ्रू आउट ऐसा ही है। आई होप कि नारायणगढ़ के बाद जो है ठीक रहेगा। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप आइए फ्लाइट से और जाइए बस से, क्योंकि आते टाइम दिल्ली से काठमांडू का फ्लाइट फेयर सिर्फ 3,500-4,000 रुपये है, जबकि रिटर्न करते वक्त फ्लाइट फेयर्स हाई रहते हैं, 10,000, 11,000, 8,000, 9,000। रेस्ट स्टॉप्स की जो कंडीशन है ना वो मैं बताऊं तो ठीक नहीं है। मतलब बाकी पैसेंजर्स भी शिकायत करेंगे कल भी किस जगह रोका था। तो यहाँ पे वेज थाली है, चिकन थाली है। वेज थाली इज 250 नेपाली रुपीज़, चिकन थाली इज 350 नेपाली रुपीज़। अब जब भी मैं आगे इस सीरीज में रुपीज़ बोलूँ दैट मीन्स नेपाली रुपीज़। कन्वर्जन आपके स्क्रीन पे होगा, 100 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 160 नेपाली रुपीज़, ऐसा मान लीजिए। सो मैंने लिया है दाल चावल, थोड़ी सी सब्जी, ये यहाँ पे है चिकन, यहाँ पे है एक स्पेशल चटनी। ये जो स्पेशल चटनी है ना नेपाल के ऑलमोस्ट हर ढाबे पे मिलती है, ऐसी अलग अलग चटनी। एंड यहाँ पे जो हमारी 20 की बोतल आती है ना, यहाँ पे दैट इज 50 नेपाली रुपीस, लगभग 30 रुपए। खाने का टेस्ट भी काइंड ऑफ ओके से है, अच्छा नहीं है। अच्छा, फिलहाल शाम के 4 बज रहे हैं, हमने जस्ट क्रॉस किया है नारायणगढ़। एंड यहाँ से रोड मोस्टली ठीक है, तो अच्छे अच्छे नज़ारे आपको मैं दिखाऊंगा। एंड काठमांडू है यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर्स, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली दोनों तरफ थोड़ा सा जंगल है।
35 घंटे लग गए हमें इस जर्नी के लिए। एंड यहाँ पे बेड देख रहा हूँ, ये जुगाड़ी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, काफी कंफर्टेबल है, मतलब सीटर कम स्लीपर बस बना दिया उन्होंने। बस जी रात के 9:15 हो रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं काठमांडू के ड्रॉपिंग पॉइंट में जो कि स्वयंभू में। एंड नेपाल अभी तो क्या ही दिखाऊं काठमांडू का शहर, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत रात हो गई है, अभी सब दुकानें वुकानें भी बंद हो गए। यहाँ पे मेरे साथ है हमारे सेकंड कैप्टन, क्या नाम है जी आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, और कितने साल से चला रहे हैं आप ड्राइविंग कर रहे हैं? आठ साल। और वॉल्वो में कितने? वॉल्वो में 2006 से। अच्छा 2006 से, तो काफी पुराने। ओके, और रूट वूट का बरात बताइए कुछ, कब ठीक होगा, क्या होगा? रूट तो होगा, अभी लगाएंगे जो 4-5 साल फोर लेन हो जाएगा शायद तब तक। एंड रिटर्न में आपका सेम टाइमिंग है 10 बजे? अच्छा, और नेपाली करेंसी में कितना फेयर है इसका? अपना जैसे कि 1 रुपए तो इनका 1.60। नहीं नहीं, मतलब फेयर कितना है? 4500 ना? 4500। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। अंकल जी आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, और आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं? मुझे भी 2000 से कर रहे हैं। 2000 से कर रहे हैं, और इसी रोड पे भी कितने साल से कर रहे हैं? इस पर 3 साल हो गए। ओके ओके, और अप डाउन आपका मतलब फ्यूल कहाँ डलवाते हैं रिटर्न में? लखनऊ में डलवाते हैं। और वापस जाके दिल्ली में कि लखनऊ में? दिल्ली में। ओके ओके, और कितना किलोमीटर हो जाता है आपका राउंड ट्रिप? ये अप डाउन 2400 किलोमीटर। अच्छा, और कितना डीजल लग जाता है टोटल पूरा राउंड ट्रिप में? 625-30। अच्छा इतने करीब। चलिए अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आया आपके साथ। चलिए जी चलता हूँ। सो जी यहाँ पे हमारा सफ़र समाप्त होता है, हम आ चुके हैं स्वयंभू में, यहाँ पे नियर बाय बुद्धा पार्क है, यही बोर्डिंग पॉइंट है। अगर आपको और भी बसें चाहिए सिलीगुड़ी जाने वाली तो वो भी सब यहीं से चलती है, इसी लाइन में आपको सारे काउंटर वगैरह मिल जाएंगे। सो अभी जा रहा हूँ अपने हॉस्टल फ्लॉक हॉस्टल, एंड वो दिखा के ये वाला व्लॉग एंड करता हूँ। सो फाइनली केम टू माय हॉस्टल, दिस इज़ फ्लॉक हॉस्टल, एंड टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा हॉस्टल मैंने पहले नहीं देखा, बहुत ही अमेजिंग वाइब्स हैं यहाँ के। एंड अगर आप डेकोरेशन वगैरह भी देखें तो काफ़ी सही है यहाँ पे, अगर वॉल पेंटिंग्स वगैरह देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं हर जगह पे। एंड दिस इज़ माई रूम 203 पतन दुर्बन नाम से, कुछ ऐसा है 10-बेड डॉर्म। अभी मैं एक बात दिखा देता हूँ, ऐसा है, एंड इसके लिए मैंने पे किया है 600 इंडियन रुपीज़। बस तो आज का ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, अभी थोड़ा एडिटिंग का काम है वो करके सोना है, बिल्कुल भी चैन नहीं है। बस में कर रहा था लेकिन बस ऐसे ऐसे हिल रही थी ना कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, कल सुबह निकलना है मुझे फिर 5:30 बजे। ख़त्म करते हैं आज का ये व्लॉग, जो भी हो आप एंजॉय करेंगे ये जर्नी, एंड ज़िंदगी में याद ज़रूर रखेंगे कि हाँ भाई हमने बस में इंटरनेशनल ट्रैवल किया एंड ऐसी थी जर्नी। बाकी मेरा सजेशन रहेगा कि फ्लाइट से आओ, बस से रिटर्न जाओ, इट विल बी बेटर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेपाल सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को लेके, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान आंधी है वर्षा। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म, तो बहुत लेंथी थी वीडियो यार भाई ने, तो एक एक चीज़ एक एक जगह बताई। हैरानगी की बात यह है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है सिर्फ 4500 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपये में, यानी कि एक नेपाल अपना इंडिया से नेपाल सिर्फ 4500। ये हैरानगी इस बात की, इतना सस्ता तो कहीं भी नहीं जा सकता है, वो भी किराया है 4500। बाकी वीज़ा वगैरह तो मेरे ख्याल में जब बस जारी वीज़ा का इतना सिर्फ वो कुछ 2-4 चंद फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की हैं उसने, तो चलो जी वो बता भी रहा था कि हमारी जो नेपाल की गवर्नमेंट है उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं, वीज़ा फ्री है। बहुत अच्छा दोस्त का, बहुत अच्छा दोस्त है उनका नेपाल में भी, बहुत ज़्यादा मतलब हिंदू है, बहुत मतलब इंडिया के बाद मेरे ख्याल में सब ज़्यादा हिंदू जो है, हिंदू कंट्री है, हिंदू कंट्री है नेपाल, तो वो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। तो मैं तो हैरान रह गया हूँ कि मैं हमने इधर से जाना हो ना अपने ही मुल्क के अंदर ही कराची जाना हो, यहाँ से फैसलाबाद से कराची काफ़ी सफ़र है, मेरा ख्याल में 5-10 हज़ार तो उसका रेंट ला लेना, फेयर ला लेना एक साइड का। हाँ जी कराची असलम भाई कितने 16 घंटे लग जाएंगे ट्रेन पे ज़्यादा लगेंगे, बस में 1-2 दिन लग जाएंगे, एक दिन तो पक्का है ना, अगले दिन जाके आप पहुँचेंगे। 24 घंटे लगते हैं एक दिन पक्का है, एक दिन आप सफ़र में होंगे जी,
इतनी बन गई है मोटरवे, फिर भी भाई मोटरवे मोटरवे पे मैं खुद गया हूँ कराची, तकरीबन सेकंड टाइम यहाँ से गए रवाना हुए हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल में एक दिन तो हमारा सफ़र में निकल गया। तो मोटरवे पे भी उन्होंने बस जो है वो चलाई है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर ही फिर उसने आम हाईवे पे गाड़ी बस जो है वो लगाई है। तो थोड़े ही मोटरवे पे जाते हैं वो, ज़्यादा दूसरे रूट इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आराम से जाते हैं, दूसरे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वरना जाए ना इस पर तो जो मोटरवे है तो वहाँ पे जो है ना सफ़र मैं कहता हूँ कि टाइम और कम हो जाए। लेकिन जो बस थी, बस की लुक उसने दिखाई वो इंडियन तिरंगा उधर ऊपर चमचमाता हुआ नज़र आ रहा था, सारी बात है नेपाल में दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो बस जो उनकी थी वो शानदार थी, अंदर का उसने व्यू भी दिखाया, जो लोग थे वो मतलब लोग कह रहा हूँ जो अमला मतलब दो तीन जो एक ड्राइवर और एक साथ कंडक्टर जो उन दो तीन लोगों के लिए सोने के लिए अलग अलग से जगह है। तो और जो यार जो पैसेंजर थे उनके लिए बड़ी शानदार जगह थी, चाहे आप आराम से बैठ जाएं चाहे पीछे थोड़ा सा लेट जाएं, अच्छी वाली चीज़ थी, बड़ी फैसिलिटी, यानी जारी बात है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो अच्छा। वो जहाँ रुका ना शिवा ढाबा है, शिवा ढाबा का नाम, मैं हैरान हो रहा था कि 350 में वो पूरी प्लेट 8-10 आइटमें थी उसके अंदर, वो दाल भी नहीं कड़ी भी दाल भी सब्जी भी वो दूसरा नहीं मैंने गिनी है अच्छा भाई 8 में थी। हमारे यहाँ सिर्फ एक बिरयानी की प्लेट 350 320 की है, रम तलाब हो गई हमारी एक बिरयानी की प्लेट हमें इधर 320 रुपये की मिल रही है, 320-30 की, तो वो इतनी बड़ी उसके मतलब समझ कि वो तो अनबिलीवेबल, वो जो लेकर बैठा था साथ में फिर गुलाब जामुन चेक करें मीठा भी दिया एक दो गुलाब जामुन, सारा सारा 350 के अंदर। भूख लग रही है यार, ये इतनी बातें मत करो ना, इतनी बातें करके भूख लगने लग पड़ी है। मतलब कि ना उनके यहाँ पे चीज़ें सस्ती और म्यारी, मतलब उधर चलता है क्या उसके क्या बोल सकते हैं हम, डील है ये, डील होगी डील के अंदर ये थाली उसको मिली है। ओवरऑल भी वैसे जो उसने मैन्यू भी दिखाया था उसमें भी चीज़ें अच्छा, एक जो है ना बात मुझे बड़ा हैरानी हुई कि जब वो एक कच्चे रोड पे नेपाल में गया तो यकीन जाने वो तो ऐसे लग रहा था ऐसे वो भी कह रहा था कि ऐसे ऐसे झूम रहा था, तो वो देख के मुझे भी लगा कि यार वहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इस वजह से, तो रोड ये दिक्कत है कि वो रोड नहीं था, कच्चा रास्ता था, कच्ची सड़क थी, तो इस वजह से वो छोले वगैरह ऐसे ऐसे खा रहा था। तो होता है भाई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा हो या रोड्स कच्चे हो तो ऐसी सिचुएशन जो है वहाँ पे क्रिएट होती है। बस हाई टेक थी, बहुत बेहतरीन, हमारे यहाँ ये चलती बसेस में कश्मीर चलती नहीं है क्योंकि मैं इन बस इस तरह की बसेस पर खुद सफ़र अच्छा इतना डेवलप भी नहीं है ये नेपाल, इसका हाल तो हमारे कंट्री जैसे ही है, हम सभी गया थका हुआ छोटा कंट्री है ना, क्योंकि ज़्यादा नेपाली जो है ना, मैं भी रहा हूँ तो ज़्यादा नेपाली जो है ना प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा करते हैं, कंपनीज में आते हैं दूसरे कंट्रीज में, वहाँ पे वीज़े वगैरह अप्लाई करते हैं काम करते हैं, तो इतना ज़्यादा ये भी नहीं है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान से भी गया गुजरा, पाकिस्तान तो यार जो है ना खुद बेड़ा गलत कर लिया ना लोगों ने इसका जो इसके, अगर तो ये निभाल कर्जे नहीं लेता तो फिर पाकिस्तान से अच्छा है। हाँ कर्जा लेना भी बाकी और भाई इंडिया ने इनकी बड़ी हेल्प की निभाल की, मैं भी तुम्हें बताऊँ इंडिया तो तकरीबन हर लेबर की करता है, जो वो आई थी ना क्या उसका नाम है सीमा हैदर जो थी वो पहले नेपाल ही आई थी, डायरेक्ट इंडिया में नहीं आई थी, और इस तरह जो ये जो बस जा रही है इसी तरह बस थी उसमें वो बैठ कर आई थी नेपाल से इंडिया, फिर आई डायरेक्ट वो पाकिस्तान से इंडिया नहीं गई, आपको पता होगा नेपाल से इंडिया आई, पहले गई दुबई से नेपाल से इंडिया। हाँ जी तो बात खैर मैं और करने का मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में डायरेक्ट जाते हैं लेकिन फिर उसकी चेकिंग होती है, उस पर नज़र रखी जाती है कि कौन नेपाल से कोई आता है या इंडिया से नेपाल जाता है, तो फिर इतनी ज़्यादा चेकिंग या सख्ती नहीं की जाती क्योंकि वो एक दूसरे के फ्रेंडली कंट्रीज है। तो वो आपने देखो भाई उसने जहाँ इंडिया के अच्छे रोड दिखाए वहाँ कुछ
रोड्स ड्रॉप है इसमें। हाँ मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। इंडिया के नहीं होंगे मेरे ख्याल से, नेपाल के हैं। नेपाल भी हिस्सा, ये नेपाल का हिस्सा जहाँ पर वो दिखा रहा था भाई, तो बड़े रोड्स जो थे बड़े गंदे रोड थे। बाकी फैसिलिटीज की बात करें तो बस के अंदर खाना वगैरह तो नहीं हो सकता, ट्रेन में हमने देखा खाने ट्रेन में मिलता है, इंडिया की ट्रेन में। ट्रेन में अगर इतना लंबा सफ़र हो तो मैं ऑब्वियसली श्योर हूँ कि अच्छा खाना मिलना था, तो सारी बात है फिर फेयर भी ज़्यादा होता, उसका किराया भी ज़्यादा ही हुआ था तो। लेकिन इसको खाना वगैरह नहीं मिला, बाकी सारी फैसिलिटी जो है एसी है, अच्छी बस है, लग्जूरियस है, बाकी ये जो इस तरह की बस है खूबसूरत बड़ी है। हाँ शानदार है, बड़ी शानदार 42 या 30 सीटर फ्री में उनको जो है ना झूले झुला झुला। सर खैर बहरहाल इंडिया का वो मित्र दोस्त है, इंडिया के लोग बस में जिस तरह हम भी चले जाते हैं चाइना, हम भी बस पर चले जाते हैं, कोई नहीं हमें रोकता, हम भी चाइना में जाते हैं तो हमारे विजिट करना चाहिए यार चाइना का। वीजा भी तो मुश्किल भी नहीं है वहाँ पे, री हाउ वहाँ करना चाहिए। नहीं वीजा नहीं, हमें वैसे ओए घर में जाना चाहिए, ओए घर वहाँ डायरेक्ट बसेस जा भी सकते हैं और वीजे की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि चाइना ने पाकिस्तान को वीजा फ्री किया अगर मैं गलत नहीं होता हूँ, क्योंकि एक भाई था वो गया था, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, तो वह बस के जरिए गया है, बसेज जाती हैं। खैर ओवरऑल भाई का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, को नहीं दरमियान में से तो कच्चा पक्का रास्ता आया, वहाँ थोड़ी तंगी हुई भाई को, ओवरऑल अच्छा रहा। मिलता रही वीडियो में नाटक साथ।